विद्यार्थी मित्रों, जय स्वामीनारायण। सहजानंद विद्यालय द्वारा आयोजित डिजिटल एजुकेशन श्रेणी में हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 8 विषय हिंदी, एमा गया लेक्चर में आपणे व्याकरणनो एक टॉपिक भणी गया, जेनुं नाम हतुं वचन परिवर्तन। हवे आजे आपणे पाठ 3 जोवानो छे, जेनुं नाम छे अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो पहला आपणे एना लेखिकानो परिचय मेळवी लईशुं। आ पाठना लेखक छे डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। डॉक्टर कोकिला पारेख नो जन्म सन 1954 में गांधीनगर जिल्लाना उवारसद गाम में थयो हतो। आपने एमए एमफिल और विद्या वाचस्पति की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। एमणे एमए एमफिल अने विद्यावाचस्पति एटले पीएचडी नी शिक्षा गुजरात विद्यापीठमांथी प्राप्त करी। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। तेमणे गुजराती अने हिंदी बन्ने भाषाओं में पोतानुं लेखननुं काम कर्युं छे। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। अध्यापननी साथे समाज सेवामां पण तेमनुं विशेष योगदान रहेलू छे। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। महिला जागृति में पण तेमणे सारा एवा काम कर्या छे। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। हिंदी प्रचार प्रसार में पण तेमनुं योगदान छे। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। आजकल ते गुजरात विद्यापीठ में अहमदाबाद में रीडर ना पद पर काम करी रहया छे। हवे आपणे आ पाठना विषय थोड़ी समझूती जोईशुं। आ पाठ में अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स ना जीवन, शिक्षा अने अंतरिक्ष यात्रा विषय में जानकारी आपेली छे। साथे अंतरिक्ष यात्रीओने अंतरिक्ष यात्रा में जे तकलीफो पड़े छे एनुं निरूपण करवामां आवेलुं छे। अमदावाद में सुनीतानुं आगमन विद्यार्थीओने प्रेरणा, स्त्रीओनुं गौरव, प्रोत्साहन, अंतरिक्ष यात्रा में थयेली विविध वैज्ञानिक शोध वगैरे विषे पण जणावेलुं छे। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा, तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। 20 सितंबर 2007 ना रोज अहमदाबाद हवाई अड्डा पर अमेरिका थी एक हवाई जहाज आवी पहुंच्यू, त्यारे अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचे एटली उत्तेजना थई हती। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। एमा हतू गुजरातनू गौरव, भारतनी शान अने पूरा विश्वनी दीकरी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। स्त्रियों कोई ज क्षेत्र में पाछड़ नथी। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, ते ऊंचा में ऊंचा पद ऊपर बिराजेली तो छेज। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। परंपराना बंधन ने तोड़ी ने पोताना अस्तित्व ने साकार रूप आपवानी क्षमता आजनी स्त्री में छे। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। युवान पेढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर पोतानु अस्तित्व स्थापित करी चुकेली भारतीय महिला कल्पना चावला पछी सुनीता विलियम्स नुं नाम जोड़ायेलू छे। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई।
સુનીતાએ ભારતની પ્રતિષ્ઠાને ગૌરવ આપીને સફળ થઈ અને પાછી આવી. હમારે દેશ કે હરિયાણા પ્રાંત કે કરનાલ શહેર કી કલ્પના ચાવલા કો પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી હોને કા સન્માન મિલા થા. આપણા દેશના હરિયાણા પ્રાંતના કરનાલ શહેરની કલ્પના ચાવલાને પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી થવાનું સન્માન મળ્યું હતું. હમારે રાકેશ શર્મા ભી પ્રથમ ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી હે. આપણા રાકેશ શર્મા પણ પ્રથમ ભારતીય અંતરિક્ષ યાત્રી છે. દુઃખ કી બાત યહ હુઈ કી કલ્પના ચાવલા હોંસલે કી બુલંદી કો છૂકર હમારી કલ્પના બન ગઈ. દુઃખની વાત એ બની કે કલ્પના ચાવલા હિંમતની ઊંચાઈઓને અડીને આપણી કલ્પના જ બની ગઈ. કલ્પના કે સ્વપ્ન કો ઓર ખુદ કે દીવા સ્વપ્ન કો લક્ષ્ય બનાકર સુનીતા વિલિયમ્સ આજ ઇસ મુકામ તક પહોંચી હે. કલ્પનાના સ્વપ્નને અને પોતાના દીવા સ્વપ્ન એટલે દિવસે જોવામાં આવેલું સ્વપ્ન, તો પોતાના દીવા સ્વપ્નને લક્ષ્ય બનાવીને સુનીતા વિલિયમ આજે આ મુકામ સુધી પહોંચી છે. સુનીતા કા ભારતીય હોના હમારે લીએ ગર્વ કી બાત હૈ. સુનીતાનું ભારતીય હોવું એ આપણા માટે અભિમાનની વાત છે. ઉનકે નામ કે પીછે વિલિયમ્સ લગતા હૈ તો ફિર ભારતીય યા ગુજરાતી કહેશે, એમના નામની પાછળ વિલિયમ્સ લાગે છે તો પછી ભારતીય અને ગુજરાતી કેવી રીતે, યહ હમારે મન મેં પ્રશ્ન ઉઠતા હૈ. આ આપણા મનમાં પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે. સુનીતા ભારતીય નાગરિક નહીં હૈ પરંતુ ઉનકા મૂળ ગુજરાત સે જુડા હૈ. સુનીતા ભારતીય નાગરિક નથી પણ એમનું મૂળ ગુજરાતથી જોડાયેલું છે. ઉનકે પિતા દીપકભાઈ પંડ્યા કા જન્મ ગુજરાત કે મહેસાણા જિલ્લે કે જુલાસન ગાંવ મેં હુઆ થા. એમના પિતા દીપકભાઈ પંડ્યાનો જન્મ ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના જુલાસણ ગામમાં થયો હતો. ઉન્હોને આધી જિંદગી ગુજરાત મેં બિતાઈ. એમણે અડધી જિંદગી ગુજરાતમાં વિતાવી. અહમદાવાદ મેં માધ્યમિક શિક્ષા ઉચ્ચ શિક્ષા પ્રાપ્ત કી. અમદાવાદમાં માધ્યમિક શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું. ડૉક્ટરી સેવા દેકર 1960 સદા કે લીએ અમેરિકા ગયે. ડૉક્ટરી સેવા આપીને 1960 હંમેશા માટે અમેરિકા ગયા. વે મેસાચ્યુસેટ્સ કે કાલમાઉથ મેં પ્રસિદ્ધ ન્યુરોસર્જન થે. તે મેસાચ્યુસેટ્સ એટલે અમેરિકાનું એક રાજ્ય છે. મેસાચ્યુસેટ્સના કાલમાઉથમાં પ્રસિદ્ધ ન્યુરોસર્જન એટલે જે માથાની સર્જરી કરે તે ચિકિત્સક, તો ત્યાં એ પ્રસિદ્ધ ન્યુરોસર્જન હતા. ઉન્હોને ઉર્સબાઇન બોની નામક યુગોસ્લાવિયન યુવતી સે શાદી કી. એમણે ઉર્સબાઇન બોની નામની યુગોસ્લાવિયન યુવતીથી લગ્ન કર્યા. પિતા દીપક પંડ્યા ઓર માતા ઉર્સબાઇન કે જય દીના ઓર સુનીતા તીનો સંતાનો મેં સુનીતા સબસે છોટી હૈ. પિતા દીપક પંડ્યા અને માતા ઉર્સબાઇનના જય દીના અને સુનીતા ત્રણેય સંતાનોમાં સુનીતા બધાથી નાની છે. સુનીતા કા જન્મ 19 સપ્ટેમ્બર 1965 કો ઓહિયો અમેરિકા મેં હુઆ થા. સુનીતાનો જન્મ 19 સપ્ટેમ્બર 1965 ઓહિયો અમેરિકામાં થયો હતો. મુક્ત વાતાવરણ મેં પલી સુનીતા મેં સાહસિક વૃત્તિયા ઉભર શકી. મુક્ત વાતાવરણમાં ઉછરેલી સુનીતામાં સાહસિક વૃત્તિયા આવી શકી. સુનીતા બચપન સેહી દોડ, સ્વિમિંગ, ઘૂડદોડ, બાઇકિંગ, સ્નોબોર્ડિંગ, ધનુર્વિદ્યા જૈસે સાહસ ભરે ખેલો મેં ભાગ લેતી હતી. સુનીતા નાનપણથી જ દોડ, સ્વિમિંગ, ઘૂડદોડ એટલે ઘોડા દોડ, બાઇકિંગ, સ્નોબોર્ડિંગ એટલે બરફ પરથી સરકવું, ધનુર્વિદ્યા જેવા સાહસ ભરેલી રમતોમાં ભાગ લેતી હતી. વહ મહેનતી થી તે મહેનતુ હતી. ઘરવાલે ઉસે પ્યાર સે સુની કહેતે થે. ઘરવાળા એને પ્રેમથી સુની કહેતા હતા.
छ साल की सुनी ने अमरीकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था, तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। छ वर्षनी सुनिए अमेरिकानो यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांदनी धरती पर थी नीचे उतरता जोयो, त्यारथी मन में निश्चय कर्यो हतो के मने पण मारे पण आवुं कंईक करी बतावुं छे। बचपन का संकल्प उसने साकार किया, नानपणनो संकल्प एणे साकार कर्यो। उसकी हाईस्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई, एनी हाईस्कूल नी शिक्षा मैसाचुसेट्स में थई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड में भौतिक विज्ञान में स्नातक थई। स्नातक एटले बारमा पछीना जे त्रण वर्ष भणाय एने स्नातक कहेवाय। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में पछी ते अनुस्नातक थई। अनुस्नातक एटले कॉलेजना त्रण वर्ष पछीनी डिग्री एने अनुस्नातक कहेवाय। इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। एना पहला 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव माटे जोड़ाई, ज्या साहस अने श्रमनी प्रवृत्तियों महत्व हतु। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। एना पछी नेवी में एविएशन ट्रेनिंग एटले विमानन प्रशिक्षण, अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर नो पद मेळव्यो। हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया अने हेलिकॉप्टर नो प्रशिक्षण पण प्राप्त कर्यो। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इन्चार्ज बन गई। आना प्रशिक्षण एटले के एनी तालीम लीधा पछी ते ऑफिसर इन्चार्ज पण बनी गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। सुनीता ने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट ना कोर्स माटे पसंदगी मड़ी। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना अने पोते पायलट बनी गई एनी सिद्धि ने एने प्रथम पगलू मान्यो। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी, अंतरिक्ष पर जवानी तीव्र इच्छा हती, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। एटला माटे हिम्मत हार्या वगर ते नासा जवामा सफल बनी। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है, त्यारथी आज सुधी सुनीता नासा में कार्यरत छे। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ ने 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में बीजा प्रयत्ने पसंदगी पामी। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक अने पायलट छे, पण अंतरिक्ष यात्री फक्त 100 ज छे। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। सुनीताए पोताना खास मित्र अने सहाध्यायी पोतानी साथे काम करनार एवा माइकल विलियम्स साथे लग्न कर्या अने सुनीता पंड्या थी सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। माइकल विलियम्से सुनीता ने सिद्धि अपावामा साथ आप्यो। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा सूत्र का काम किया है। सुनीता ने अंतरिक्ष परी बनावामा कल्पना चावलाए ज प्रेरणा सूत्रनु काम कर्यो। पिछले 8 वर्षों में
अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। पाछला 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जवावाड़ी भारतीय मूलनी बीजी महिलानी सकुशल वापसी थी लोगोए राहतनो श्वास लीधो। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। पोताना पाछा फरवाना समय एमणे कह्युं हतुं के नासाना अभियान में कल्पनानी साथे काम करवू ए खूब ज सुखद अनुभव हतो। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। अमारा बन्ने नी रुचि बिल्कुल अलग हती, पण भारतीय हो ए अमने बन्ने ने एक साथे राखतू हतू। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था, बन्ने ने भारतीय संगीत थी खूब ज लगाव हतो। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, कल्पना थी मने घणु बधु शीखवा मळ्यु। विद्यार्थी मित्रों, हवे आजनो अभ्यास आपणे अहीं सुधी राखीशुं। हवे आना आगळनो अधूरो पाठ आपणे फरीना लेक्चरमां भणीशुं। तमारे PDFમાં જોઈને હિન્દીની નોટબુકમાં ગૃહ કાર્ય કરવાનું રહેશે। જય સ્વામિનારાયણ।